तो अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है और उसके अंदर आप फैमिली मेंबर ऐड करवाना चाहते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्विस चालू कर दी है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी पूरी जानकारी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं तारिक अंसारी स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल साइबर एडवाइस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है डोर टू डोर सर्विस का इस्तेमाल करते हुए, उसका लाभ उठाते हुए, घर बैठे जो है अपने राशन कार्ड के अंदर किसी फैमिली मेंबर का नाम ऐड करवाना हो तो उसका फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे ही भरवा सकते हैं। तो दोस्तों डोर टू डोर सर्विस के तहत जो है दिल्ली सरकार की तरफ से SDM ऑफिस की तरफ से जो है आपके घर पे एक मोबाइल सहायक आ जाते हैं जिस दिन भी आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उस दिन, और वो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको एक एप्लीकेशन रिसिप्ट दे देते हैं, एंड साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट कर लेते हैं आपके घर पर ही आके, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। इसके लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है मात्र 50 रुपीज़ की, जो आप घर बैठे ही आप अपना काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरीके की ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड दोस्तों आप दो तरीके से अपने राशन कार्ड में नाम ऐड करवा सकते हैं, या तो आप खुद भी आप ऑनलाइन EDSIC के पोर्टल पे ID बना के आप खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और किस तरीके से ऑनलाइन खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ साथ आप मोबाइल सहायक की हेल्प से भी अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं घर बैठे अपॉइंटमेंट लेके डोर टू डोर सर्विस का इस्तेमाल करके, जिसका प्रोसेस मैं जो है आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करवा के डोर टू डोर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के। दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, delhi.gov.in। ये दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का खुल जाता है। यहाँ पर जो है आपको स्लाइड डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन है क्लिक हेयर टू दिल्ली डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। तो दोस्तों ये है, ये लिंक है, इसकी ही मदद से आप जो है डोर टू डोर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे जो है सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली करना क्या है, इस लिंक पे आप क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है एक नया इंटरफेस खुल जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का। दोस्तों मैं जो है इस पे सिंपली इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ लिंक पे, और जैसे ही मैं इस पे लिंक पे क्लिक करूँगा हम नया इंटरफेस जो है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर जो है साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, आपका एक एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है जो आपके पास अवेलेबल हो और एक्टिवेटेड हो, यानी कि चालू हो, OTP आ सके। जैसे हम इस पे सबमिट करेंगे तो जो है दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन पर एक दिल्ली गवर्नमेंट की इस वेबसाइट से एक OTP आता है। तो आपको यहाँ पर जो है उस OTP को फिल कर देना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके, और मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल फ़ोन पर जो मैसेज आया होगा बिल्कुल सेम टू सेम जो है वही OTP इसके अंदर फिल कर देना है। इसके नीचे दोस्तों लिखा है आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पर जो हमें 4 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो है स्टेप है सर्विस डिटेल। सर्विस डिटेल के अंदर जो है आपको सबसे पहले करना क्या होगा, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों राशन कार्ड में नाम ऐड करवाने के लिए हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। डिपार्टमेंट के अंदर जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है फूड एंड सिविल सप्लाईज ये वाला जो है ऑप्शन इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद फिर से सिंपली सर्विस ग्रुप के अंदर भी आपको फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है सर्विस ग्रुप के अंदर।
उसके बाद दोस्तों आपको नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर जो है आपको सर्विस नेम, जो भी सर्विस का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं वो सर्विस नेम इस लिस्ट के अंदर में से सेलेक्ट कर लेंगे। सर्विस नेम के अंदर जो है आपको नाम ऐड करवाना है, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिशन ऑफ मेंबर इन राशन कार्ड, राशन कार्ड में फैमिली मेंबर को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो टाइमिंग होता है इस फॉर्म का कंप्लीट होने का वो यहाँ पर शो हो रहा है, टर्न अराउंड टाइम 12 डेज आफ्टर जनरेशन ऑफ एआरएन नंबर, एआरएन नंबर जनरेट होने के 12 दिन के अंदर जो है ये फॉर्म अप्रूव हो जाता है। यहाँ पर फिर हमें स्लाइड डाउन कर लेना। अब यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यहाँ पर जो है हमें 5 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है राशन कार्ड के अंदर नाम ऐड करवाने के लिए किसी भी फैमिली मेंबर का। तो दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, सभी फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड होने चाहिए, जिस भी फैमिली मेंबर का जो है आप राशन कार्ड के अंदर नाम ऐड करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिंपली आप देख सकते हैं कॉपी ऑफ आधार नंबर या EID, इनरोलमेंट नंबर भी आप डाल सकते हैं अगर आधार नंबर अभी आपने अप्लाई किया है तो। और यहाँ पर इसके बॉक्स के सामने ही सबके फैमिली मेंबर के आधार नंबर डालें। एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर का नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो कॉमा लगा लगा कर आप आधार नंबर फिल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो हो गया कंप्लीट। सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है हमारी, दोस्तों सेकंड डॉक्यूमेंट जो है हमें चाहिए कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ की एक कॉपी चाहिए होगी। जो भी अगर आधार कार्ड में एड्रेस अलग है लेकिन राशन कार्ड में जो एड्रेस आपने डलवाया था बिजली के बिल पे परमानेंट एड्रेस जो डलवाया था आपने, उसकी कॉपी ही आपको चाहिए होगी। उस एड्रेस की एड्रेस प्रूफ जो है आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो उस एड्रेस प्रूफ को लगाने के लिए अगर शेल्टर लेस पर्सन यानी कि जो जिनका घर नहीं है वो रहते नहीं है तो उनके लिए ये जो है कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको बिजली का बिल यूज़ कर लेना है, CA नंबर यहाँ पर सिंपली इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है एड्रेस प्रूफ के अंदर। और जो CA नंबर होता है आपके बिजली के बिल के राइट साइड के कॉर्नर पर लिखा हुआ होता है, 9 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है। तो आपको सिंपली वो देख के यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद जो है फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट है, जो चौथा डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ राशन कार्ड इफ़ एप्लीकेंट इशूड राशन कार्ड अर्लियर। यहाँ तो है कि अगर आपका राशन कार्ड बना है जब भी आप नाम ऐड करवा सकते हो, सिंपली यहाँ पर जो है आपको अपने राशन कार्ड का नंबर फिल कर देना है क्योंकि आपको राशन उसी राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना है। तो दोस्तों फिर हमें दूसरे वाले डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाना है। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर है इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और इसमें जो है पॉइंट नंबर 2 जो है राशन कार्ड के निर्देश, उसके अंदर जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 8 इन लोगों को जो है छूट मिलेगी। इनको जो है दोस्तों जो पैराग्राफ 3 और 8 वहां पर दिखा रहा है, जिनको जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा वो कौन कौन से वो मैं बताता हूँ। ये फॉर्म भरने संबंधित निर्देश एवं जानकारी, दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किन किन को जो है वो इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों पॉइंट 2 के अंदर कैटेगरी नंबर 1 और 8 को जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। तो दोस्तों ये रहा पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो है पॉइंट 1 और 8 ये कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनको इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। दोस्तों सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर 1, जो भी स्लम एरिया रेसिडेंट है जहाँ झुग्गी झोपड़ी निवासी हैं वो जो है उनको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी नाम ऐड करवाने के लिए राशन कार्ड में। दोस्तों 8वें पॉइंट के अंदर जो है जिनको जो है इनकम सर्टिफिकेट अपना शो नहीं करना होता, पेशागत निर्बल समूह जिसमें कूड़ा बिनने वाले, भवन निर्माण में लगे अकुशल मजदूर, कूली दिहाड़ी मजदूर, साइकिल रिक्शा चालक, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग में लगे अकुशल मजदूर शामिल है। तो दोस्तों अगर आप इन दो कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं आते तो आपको वहां पर इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, और अगर आपका इस कैटेगरी में आते हो तो एन लिख देना है। उसके बाद जो है हमारे पास जो यहां पर लास्ट जो डॉक्यूमेंट फिल कर देना है आप। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी है 8 में से कोई सी भी पॉइंट 2 के अंदर की जो भी कैटेगरी आपकी हो इस पॉइंट में से देख कर आपको यहाँ पर लिख देना है। और कैटेगरी लिखने के बाद जो है आपको लीव ए कमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और जो राशन कार्ड का नाम ऐड करना है उसी से रिलेटेड कोई भी कमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो मैंने कैटेगरी डाल दी है उसके अंदर, जो भी कैटेगरी मेरी आती थी, मतलब जिस भी एप्लीकेंट की कैटेगरी आती थी, वो मैंने कैटेगरी यहाँ पर फिल कर दिया है। अब यहाँ पर जो है लीव ए कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर कमेंट आप राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी कमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और लिखने के बाद जो है आपको फाइनल यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जो है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो सिटीजन डिटेल्स आ जाएगा। तो दोस्तों सिटीजन डिटेल्स के अंदर जो है आपको डिटेल्स फिल कर देनी है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप के अंदर जैसे ही आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो है एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इसके अंदर जो है 5 डॉक्यूमेंट है, आप कोई सभी यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, कोई सा भी आईडी प्रूफ यूज कर सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट, आपको सामने डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यहाँ पर जो है आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, एरिया के पिन कोड के साथ पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेना है। तो दोस्तों जो है कंप्लीट एड्रेस आपको फिल कर लेना है, एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 को कंप्लीट फिल कर लेना है एरिया पिन कोड के साथ, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपनी एक फिल कर देनी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पर जो है आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं मोबाइल नंबर के बगल वाले ऑप्शन में, ताकि आपका अगर मोबाइल नंबर ऑफ रहे तो दूसरा नंबर भी मिलाया जा सके। तो आप ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पेमेंट मोड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पेमेंट मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। 50 रुपये की सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपको 50 रुपीज़ की एक सरकारी पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 3 मोड है, कैश, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो दोस्तों 3 तरीके की पेमेंट है, आप कोई सा भी ये जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो है कैश, दूसरा नेट बैंकिंग, तीसरा कैश डेबिट कार्ड। तो हम यहाँ पर जो है सिंपली कैश का इस्तेमाल कर ले रहे हैं और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ चुका है, यहाँ पर जो है कैलेंडर ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों जो है आप अपनी मर्जी के हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस दिन भी आप खाली हैं, छुट्टी है, उस दिन आप कैलेंडर की हेल्प से डेट को सेलेक्ट कर लें। डेट को सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का नीचे जो है टाइमिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जो है यहाँ पर जो है टाइमिंग्स जो भी अवेलेबल होंगी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, ये बहुत अच्छी बात है कि आप रात के टाइम पे भी अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। आप अगर कहीं बाहर गए हुए हैं तो नाइट शिफ्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी टाइम अवेलेबल हो, जो ग्रीन डेट अवेलेबल है, उस पर क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो है आपका ये जो डेट और टाइम सेलेक्ट हो चुका है, अपॉइंटमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है चौथा स्टेप है फॉर्म का रिव्यू करना। फॉर्म का रिव्यू जरूर करें, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स नंबर डाले हैं, जो भी आपने नाम की स्पेलिंग फिल करी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो एक बार अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से जाँच लें, रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद जो है आपको यहाँ पर नीचे पेमेंट का भी दिखाया जाएगा क्या क्या पेमेंट है। तो 50 रुपीज़ की टोटल पेमेंट है विद GST और सर्विस टैक्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है सरकारी। आगे फिर हमें कंटिन्यू फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट कर देंगे जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुकी है। हेलो दोस्तों, जो है आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद जिस डेट को भी आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है उस डेट को जो है मोबाइल सहायक आएंगे आपके घर पर, आपका फॉर्म भरेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और आपके फॉर्म के कॉपीज जो है वो लेकर आपके डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर SDM ऑफिस में वो सबमिट कर देंगे। और दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है आप अपने राशन कार्ड में नाम ऐड करवा सकते हैं, घर बैठे आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आई होप की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मैं चैनल पर किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको वीडियो में भी कहीं मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे टेक्स्ट करके कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय।